नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडियन नेवी अग्निवीर MR और SSR के ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन नेवी MR SSR के लिए। सो यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट आपको ओपन करनी है agnivirnavy.cdse.in। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने अगर पहले रजिस्टर कर रखा है तो आप जो है यहाँ पे जो है लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है भाई रजिस्टर पर। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है, मोबाइल नंबर, नेम, पेरेंट नेम, फिर उसके बाद नेशनलिटी और ये कैप्चा एंटर करके आपको सिंपली रजिस्टर पर जो है क्लिक कर देना है। एक बार यहाँ पे जो है पॉपअप आएगा जिसमें आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। फिर उसके बाद आपको ओके कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे भाई एक बार दोबारा से हम जो है कैप्चा एंटर कर लेते हैं। तो जो भी आपका कैप्चा है वो यहाँ पर आपको एंटर करके अच्छे से फिर उसके बाद रजिस्टर पर जो है क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, आप जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हो। आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। और फिर हम यहाँ पर जो है लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जो कि आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, फिर पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके हमने जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी MR को टारगेट कर रहे हो तो आप सभी के लिए जो है इंडियन नेवी MR स्पेशल VOD बैच जो है हम लेकर आ चुके हैं डिफेंस शिक्षा ऐप पर। डिफेंस शिक्षा ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया गया है, अपडेटेड कंटेंट है दोस्तों, PDF नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इंडियन नेवी MR के लिए 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप सभी के लिए जो है ऐप पर लाइव कर दी गई है। डिफेंस शिक्षा ऐप पर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। एक बार जरूर डाउनलोड कीजिएगा और डेमो जरूर देखिएगा इस का, क्योंकि इसमें सिलेबस तो करवाया ही है, साथ ही साथ वो टॉपिक भी करवाए हैं जो कि सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनता है। अगर आप जो है सीरियसली इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये बैच आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो है इंस्ट्रक्शंस आपको जो है यहाँ पे बताए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप जो है अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू फिल डिटेल्स। सो दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले अपना डोमिसाइल स्टेट या जिस स्टेट के आप रेजिडेंट हो वो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करना है। आधार नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कोई है या लास्ट नेम कोई है तो आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपके पेरेंट्स का नाम यहाँ पर एंटर करना है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर एंटर करना है दोनों ही, मैरिटल स्टेटस आपको ऐड करना है, फिर उसके बाद फोटो आपको ध्यान रखिएगा 100 KB से कम साइज़ का होना चाहिए, सिग्नेचर आपके जो है 50 KB से कम साइज़ के होने चाहिए, ब्लैंक पेपर पर ब्लैक जो है बॉल पेन से आपको जो है सिग्नेचर करने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो है लेस देन 300 KB होना चाहिए। देन उसके बाद आपको सिंपली सेव कर लेना है दोस्तों, और सेव करने के बाद जो है नेक्स्ट पेज आपके साथ जो आपके पास जो है ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। यहाँ पे क्लियरली जो है बता रखा है, अगर आपने 10+2 कर रखी है PCM से तो आप अग्निवीर SSR के लिए, अगर आपने नॉर्मल 10th कर रखी है और आपकी एज 17.5 से 21 ईयर है तो आप MR के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपनी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, स्ट्रीम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, और फिर आपको जो है यहाँ पर अपने जो है डिटेल एंटर करनी है दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th अप्लाई की है क्योंकि हम जो है MR के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप SSR के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पे आप जो है अपने 12th साइंस जो है मैक्सिमम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है अपने सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे एंटर कर देने हैं, ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ पे आपकी आ जाएगी। आपको अपनी मार्कशीट की सीरियल नंबर एंटर करना है, आपका बोर्ड एंटर करना है, कहाँ पर आपका जो है बोर्ड है दोस्तों, और किस स्टेट ने जो है आपके जो है 10th के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए वो आपको एंटर करना है, आपके स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और आपको अपनी 10th की मार्कशीट एंटर करनी है जिसका जो है PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, इसका साइज जो है लेस देन 300 KB होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट 10th मार्क डिटेल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद जो है आपके सामने जो है नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी एग्जाम सिटी चॉइस एंटर करनी है। आपको जो है अपनी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस जो है एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसे स्टेट एंटर कर देना है, फिर उसके बाद उस स्टेट में जितने भी सेंटर आएंगे वो आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एक हमने यहाँ पे अपने जो है एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस जो है सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको सेव करना है और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे एडिशनल
जो है इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा है कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, यस नो आप कर सकते हो, क्या आपको स्विमिंग आती है, यस नो आप क्लिक कर सकते हो, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट अगर आप हो तो आप यस नो जो है क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे में इनमें से कोई भी नहीं है तो हमने नो यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर दिया है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एम आर प्रेफरेंस पर क्लिक करना है, क्योंकि आप सभी को पता है एम आर के अंदर 3 पोस्ट होती हैं, सेफ, हाइजीनिस्ट और स्टेवर्ड। तो यहाँ पर हमने जो है अपनी प्रेफरेंस जो है सेलेक्ट कर ली है दोस्तों। तो प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद सेव पर आपको क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना लास्ट जो है स्टेप पर आपको मूव करना है, जो कि है पेमेंट। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें पेमेंट की, तो आपकी जो फ़ी यहाँ पे लगेगी दोस्तों अग्निवीर एम आर की, ₹550 जो है आपकी एग्जामिनेशन फीस है और 18% GST। तो टोटल आपको ₹649 जो है पे करने होंगे, जिसे आप जो है क्यू पे या SBI के थ्रू जो है ऑनलाइन पे कर सकते हो। इसके बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर फ़ी जो है पे कर लेता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर जो है कम्प्लीट फॉर्म जो है फिल कर दिया है, आप जो है देख सकते हो। इसका PDF आप ज़रूर जो है फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करके रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप आपने जो है कैसे फॉर्म फिल करना है इंडियन नेवी MR का। केवल 10 मिनट में आप जो है अपने आप से ही फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सारी बातें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं। अगर आपको फिर भी डॉक्यूमेंट रीसाइज करने में प्रॉब्लम आए, तो डॉक्यूमेंट को जो है आप इजीली पिक रिसाइज से जो है रिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो जो है बना दूंगा। सो कोई डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।